Good morning. This is online class conducted by St. James School and College. Now, today I am going to solve chapter 2 from history, spread of Christianity. Book exercise, first question number A, fill in the blanks. Fill in the blanks, the first hoga. Imperial blank hai, the Imperial Constantine granted special privileges to Christians. So, aap first mein fill karenge, Constantine. सेकेंड फेडरलिज्म, सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में फेडरलिज्म होगा. थर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल वाज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, तो थर्ड में हम फिल करेंगे कॉन्स्टेंटिनोपल. फोर्थ क्रूसेड्स, फोर्थ में जो फिल होगा ऑप्शन वो होगा क्रूसेड्स, होली वॉर दैट वाज फॉट बिटवीन द क्रिश्चियन एंड द टर्क्स. लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आप जेरूसलम, जेरूसलम सर्व एज सेंटर ऑफ रिलीजियस एंड सेकुलर लर्निंग, तो हम फिफ्थ में फिल करेंगे जेरूसलम. क्वेश्चन नंबर बी, द वर्ड इन ग्रे आर इनकरेक्ट. बुक में जो वर्ड दिए हुए हैं जो ग्रे कलर से हाईलाइट हुए हैं वो इनकरेक्ट हैं, उनको हमें करेक्ट करके लिखना है, राइट द करेक्ट आंसर. तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सेंट जॉन स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन द रोमन एम्पायर. सेंट जॉन ग्रे कलर से लिखा हुआ है, वो रॉन्ग आंसर लिखा हुआ है, तो हमें उसे करेक्ट करके लिखना है. करेक्ट आंसर इज सेंट पॉल. करेक्ट आंसर इज सेंट पॉल, तो हम सेंट पॉल लिखेंगे इसकी जगह पर, ब्लैंक आंसर दिया हुआ है. सेकेंड है इंपरर थियोडोसियस वॉज द फर्स्ट रोमन रूलर टू एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी, तो इंपरर थियोडोसियस की जगह पे हम इंपरर कॉन्स्टेंटाइन लिखेंगे. सेकेंड में आपको लिखना है कॉन्स्टेंटाइन, राइट. थर्ड विसिगोथ एंड यहोवाह ट्राइब्स इन्वेडेड रोम, रोम के ऊपर विसिगोथ और यहोवाह लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वही रॉन्ग आंसर लिखा हुआ है, इनकरेक्ट है, हम उसको करेक्ट करके लिखेंगे ऑस्ट्रोगो. आंसर नंबर थर्ड इज ऑस्ट्रोग्रो, राइट. फोर्थ क्वेश्चन है द बाइजेंटाइन एम्पायर हैड एबल रूलर्स सच एज चार्ल्स मैग्ने. चार्ल्स मैग्ने इज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज जस्टिनियन फर्स्ट. जस्टिनियन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर. फाइव मॉन्क्स लिव्ड इन कॉन्वेंट. मॉन्क्स कॉन्वेंट में रहते थे, नो इट इज रॉन्ग आंसर. द राइट आंसर इज करेक्ट आंसर इज मोनेस्ट्रीज. मोनेस्ट्रीज इज करेक्ट आंसर, इसको लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, राइट वन वर्ड आंसर. वन वर्ड आंसर आपको लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हु इनकरेज नॉन ज्यूज टू एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी. फर्स्ट आंसर इज कॉन्स्टेंटाइन. फर्स्ट आंसर इज Constantine. Second question is, what did the Romans call the invading Germanic tribe? Invading Germanic tribes जो थी उनको रोमन क्या बुलाते थे, क्या करके बुलाते थे, तो उनको टाइटल उन्होंने दिया था barbarians. The answer is barbarians. Second answer is barbarians. Third, who built Hagia Sophia? Hagia Sophia is a church. किसने बनवाया था? Answer is Justinian first. थर्ड का आंसर है जस्टिनियन फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फोर, हु अटैक द बाइजेंटाइन एम्पायर इन 1453. बाइजेंटाइन एम्पायर के ऊपर किसने अटैक किया था 1453 में, तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर इज ओटोमन तुर्क. क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है ओटोमन तुर्क. क्वेश्चन नंबर फाइव, नेम द पोप हु अर्ज्ड क्रिश्चियंस टू गो ऑन अ क्रूसेड. नेम द पोप who asked Christians to go on a crusade, and the fifth answer is Pope Urban II. Fifth answer is Pope Urban II. Question number D, give reasons for the following. Give reasons for the following. Question number first is, Emperor Constantine shifted the capital in 330 CE. So Constantine ne apni capital ko 330 CE mein shift kar diya tha. Kyun? रीजन देने आपको आंसर है, बिकॉज ही बिलीव दैट द रोमन्स एम्पायर, द रोमन एम्पायर हैड बिकम टू वीक टू बी एडमिनिस्टर्ड एफिशिएंटली. एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज ही बिलीव दैट द रोमन एम्पायर हैड बिकम टू वीक टू बी एडमिनिस्टर्ड एफिशिएंटली. क्वेश्चन नंबर टू है, एट क्रूसेड
medullary period. A, to save for in the medullary period, and the answer is A, to save for to recapture Jerusalem. Jerusalem का holy place था Christians का, उसको वापस पाने के लिए क्रूसेड होली वॉर लड़ा गया था, एक क्रूसेड लड़े गए थे. तो आंसर है इसका A, क्रूसेड्स वर फॉर टू रीकैप्चर जेरूसलम. राइट, नाउ कम टू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपके बुक से जो चैप्टर है उससे रिलेटेड लिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चंस मे बी इसमें से एक दो आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं सारे आंसर्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द टू पार्ट्स ऑफ द बाइबल. फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था होली बुक है क्रिश्चियंस की द बाइबल. बाइबल के टू पार्ट्स हैं, उनके नेम आपको लिखने हैं. नेम द टू पार्ट्स ऑफ द बाइबल. फर्स्ट द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट. दो पार्ट हैं बाइबल के, द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट. क्वेश्चन नंबर टू, हु ऑर्डर्ड हिज पीपल टू लर्न एंड सिंग सॉन्ग. Who ordered to people, his people to learn and sing song? Answer is Emperor Charles Magne. The answer is Emperor Charles Magne. Question number third, which church has a silver star that marks the birth of Jesus? I repeat question, which church has a silver star that marks the birth of Jesus? Answer is the Church of the Nativity in Bethlehem. Once again I repeat the answer of third question, the Church of the Nativity in Bethlehem. Question number four, what was monastery? Monastery kya thi? Answer is it was a building in which monks lived. Phir se repeat kar rahi hu, it was a building in which monks lived. एक ऐसी बिल्डिंग थी जहां पे मॉन्क्स रहते थे. क्वेश्चन नंबर फोर, हु बिल्ट अ फेमस चर्च हागिया सोफिया. हु बिल्ट अ फेमस चर्च हागिया सोफिया. आंसर इंपरर जस्टिनियन फर्स्ट. आंसर है आपका इंपरर जस्टिनियन फर्स्ट. बुक एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूं कि फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, ये आपकी बुक में ही रहेगा. मैंने जो करा दिया यहाँ पे ये बुक में रहेगा. फिर क्वेश्चन नंबर डी, गिव रीजन, आपकी नोटबुक में जाएगा. एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है. पहले आप चैप्टर नेम मेंशन करेंगे, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, देन गिव रीजंस, और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर्स जो आपके लॉन्ग आंसर्स बुक में दिए हुए हैं जिनको मैं अब आपको टिक कराने जा रही हूँ उसको आपको लिखने हैं कॉपी में. सो क्वेश्चन नंबर डी, आंसर दीज क्वेश्चन. आंसर दीज क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड इम्परर कॉन्स्टेंटाइन हेल्प टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी. इम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में कैसे हेल्प किया था? तो इसका आंसर है पेज नंबर 10, ओपन करिए चैप्टर 2 स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, पेज नंबर 10, इम्परर कॉन्स्टेंटाइन हेडिंग दी हुई है. वहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर से फोर्थ लाइन, ही टुक सेवरल स्टेप्स टू हेल्प स्प्रेड क्रिश्चियनिटी. He took several steps to help spread Christianity. And यहाँ पे आपको four points दिए हुए हैं. He took several steps से लेकर के ये चारों points, means these four points, आपको अपनी कॉपी में लिखना है. Means ये first question का answer. Second question, discuss the causes for the decline of ancient Roman Empire. Two parts में है ये question. First part है discuss the causes for the decline of ancient Roman Empire. What was the impact of barbarian invasion? तो सबसे पहले first part का answer देखते हैं. Discuss the causes for the decline of the ancient Roman Empire. Page number 11. Open page number 11. Decline of the ancient Roman Empire. Decline of the ancient Roman Empire. May second line. Page number 11. Decline of the ancient Roman Empire. Second line, there were many causes for the decline of empire, such as corrupt rulers, frequent outbreak of civil wars, infighting among soldiers, and so on. Middle line, ke aapne. However, the chief cause for the decline was
the attack by Germanic tribes such as the Visigoth, Ostrogoth, Vandals and Franks. ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दैट व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ बार्बेरियन इन्वेजन. बार्बेरियन इन्वेजन जो कि एक जर्मनिक ट्राइब थे उनके इन्वेजन का क्या इंपैक्ट हुआ था. इंपैक्ट भी उसी पेज पे दिया हुआ है. इंपैक्ट ऑफ द बार्बेरियन इन्वेजन पेज नंबर 11 फर्स्ट पॉइंट द इन्वेजन वीकेंड द अथॉरिटी ऑफ रोमन रूलर्स बिकॉज दे फेल्ड टू चैलेंज द इन्वेडर्स. सेकेंड पॉइंट ट्रेड डिक्लाइन ड्यू टू वायलेंट पॉलिटिकल कंडीशन. एंड थर्ड पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑफ दीज इन्वेजन was the rise and spread of federalism which lasted in various forms across Europe for hundreds of years. Question number 2 ka answer complete ho gaya. Question number 3, what is federalism? Who were the sons? Question number 3 is what is federalism? Federalism kya hai? Who were the sons? Serbs kaun the? So federalism ka answer means third question ki first part ka answer what is federalism ka answer hai page number 15. Page number 15 न्यू वर्ड्स का सेकेंड पॉइंट देखिए फेडरलिज्म. न्यू वर्ड्स का सेकेंड पॉइंट है फेडरलिज्म. वहाँ पे फेडरलिज्म का को एक्सप्लेन किया गया है. अ सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग लैंड बाय अ लॉर्ड टू अ वेसल इन रिटर्न टू प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी इज कॉल्ड फेडरलिज्म. अ सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग लैंड बाय अ लॉर्ड टू अ वेसल इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी इज कॉल्ड फेडरलिज्म. सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन का हू वर द सर्ब्स. सर्ब्स कौन थे? तो इसका आंसर है पेज नंबर 12 राइज ऑफ फेडरलिज्म. पेज नंबर 12 राइज ऑफ फेडरलिज्म सेकेंड पैराग्राफ फिफ्थ लाइन. सेकेंड पैराग्राफ फिफ्थ लाइन द सर्ब्स ऑक्युपाइड द लोवेस्ट रंग अमंग द पीजेंट. अनलाइक द पीजेंट सर्ब्स वर वांटेड लेबर एंड लेड मिजरेबल लाइव्स. Once again, I repeat the answer. The Serbs occupied the lowest rung among the peasants. Unlike peasants, Serbs were wanted labor and led miserable lives. Question number 4. The Crusade left a lasting impact on Europe. List any two points to explain this statement. Crusade ne Europe ke upar ek bahut acha asar choda tha, impact choda tha. इसको दो पॉइंट्स में दिखाना है हमें. टू पॉइंट्स में दिखाना है कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ था. तो हम देखेंगे पेज नंबर 13. ओपन पेज नंबर 13 द क्रूसेड्स इम्पैक्ट ऑफ क्रूसेड्स. दिस इज इम्पैक्ट ऑफ क्रूसेड. फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको द क्रूसेड्स इंक्रीज द पोप्स अथॉरिटी अमंग क्रिश्चियंस. पीपल लुक्ड अपॉन द पोप एज देयर गाइड एंड लीडर. And the second point is the Crusades were exposed to the cultural and scientific progress of the Greek and Turks. This laid the foundation for a revival of interest in classical knowledge. Question number 4 का आंसर आपने देख लिया. पेज नंबर 13 इम्पैक्ट ऑफ द क्रूसेड्स फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट क्लासिकल नॉलेज तक. लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 राइट टू पॉइंट्स so that monasteries played an important role in medieval period. Question is write two points to show that monasteries played an important role in medieval period. Monasteries ne medieval period mein bahut hi important role play kiya tha. Use hame dikhana hai two points mein. So open page number 14 monasteries and their impact. Page number 14 monasteries and their impact. The monasteries played a very important role in medieval Europe. Points में दिया हुआ है. The monasteries played a very important role in medieval Europe. First point, monasteries were centers from which Christianity spread to other regions. Monks traveled far and wide to spread the message of Jesus Christ. Gradually, many people accepted Christianity. First point. Second point, monasteries were centers of learning. Monks studied Latin and hand copied books. These were called manuscripts. They then decorated these manuscripts with pictures and patterns. Now chapter 2 is completed. इसमें quick quiz भी है page number 14 पे. उसको भी मैं solve करा दे रही हूँ. Quick quiz page number 14. First question है Saint Paul helped spread Christianity in the Roman Empire.
ट्रू होगा, ट्रू पे टिक करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन और थियोडोसियस मेड क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। सो आंसर इज थियोडोसियस, सेकंड का आंसर थियोडोसियस। थर्ड, द रोमन एम्पायर डिक्लाइन इन 476 BC। थर्ड आंसर इज 476। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रूसेड्स वर फॉट, हाउ मेनी क्रूसेड्स वर फॉट, 8 क्रूसेड्स वर फॉट। सो आंसर नंबर 4 इज 8 क्रूसेड्स वर फॉट। ये क्विज का आंसर था, थैंक यू।